निकलेंगे आगे के सफर के लिए, थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करेंगे, खाना वगैरह भी खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज हमारा लास्ट पेपर है, वो लास्ट पेपर दे के उसके बाद हम आज घर की ओर रवाना हो जाएंगे। पैकिंग वगैरह मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है और अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ पेपर देने के लिए। पेपर देने के बाद उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, तो देखते हैं कैसा पेपर होगा। दुआ करना पेपर अच्छा हो जाए, तो उसके बाद ये देख सकते हैं अभी फ़िलहाल सब जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि आज लास्ट पेपर है सबका, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। आज लास्ट पेपर है हमारा, घर जा रहे हैं। हाँ। टाइम के बाद 5 महीने के बाद घर जाना है हमें, 5 महीनों के बाद घर जाना है। आपको नो गॉड प्लीज नो नो नो। बहुत मजा आ रहा, आने वाला है घर में। बोलो ना एक बार, बोलो बहुत मजा ये बहुत मजा आई। ठीक है फिर कामरान, चलो ब्रो आपसे एग्जाम मिलते हैं। मुझे आज बात ही नहीं करनी थी। क्यों? स्लीपर में ये हमारी सर्टिफिकेट्स, ये 3 सर्टिफिकेट्स हैं, 2 हैं पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट्स एथलीट मीट के और वॉलीबॉल की, और ये रही क्रिकेट की नेशनल सर्टिफिकेट को अब फोटो स्टेट करके सर को देना और उसके बाद फिर हम चलते हैं। क्या शुरू चुमाना घर का प्रोग्राम, घरों क्या शुभ प्रोग्राम सर्टिफिकेट रेट था रेट था नेशनल इंटरनेशनल सब लेना है, सारा कुछ आज खत्म, मतलब आज इसे सोरी की खत्म करो नहीं है। खत्म मुझे पीछे बड़ा नहीं रहना है साहब। चलो ठीक है फिर ना, इंशाल्लाह मैंने सर्टिफिकेट्स सब कुछ ले लिया, तो अचानक मैं चल रहा था तो ये महाराज भी यहाँ गए और आकिब जी भी मेरे साथ, तो हम तीनों हैं जो आज का हमारा सफर है। हम लोग जो है मुस्तफा के जाने पर दुखी हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कुछ सब्सक्राइबर जो है मुस्तफा के साथ, इनका अटैचमेंट था मुस्तफा के साथ, मिल रहे हैं क्योंकि ये प्यार होता है। और ये भाई बाय बाय बोल रहे हैं। तो गाइज अभी फिलहाल हमने कैब की थी लुधियाना तक, यहीं से जाएंगे हम लुधियाना तक कैब में, तो यहाँ से की थी हमने कैब कॉलेज के। मोहन भाई कम्फर्टेबल हो? कुछ गाने वाने लगाओ यार। लगाने लगा यार, सब्र था, जल्दी करो। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम लुधियाना पहुंच चुके हैं और हम सामान अपना उतारे हैं। सामान हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी फ़िलहाल हम सामान वगैरह सब कुछ हम उतार के इसके बाद जाएंगे हम बस स्टैंड, क्योंकि शाम को 9:30-10 बजे तक हम लुधियाना में पहुंचे हैं। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ स्लीपर जो है वो आना स्टार्ट हो गया है, स्लीपर जो है वहाँ यहाँ आएगी, जमुना की स्लीपर है हमारी। बाकी अभी जो स्लीपर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, ट्रेवलर वाले बहुत सारे हैं यहाँ पर। बाकी हमने जो है वो जमुना है क्योंकि वो बेस्ट है। बाकी जब हमारी बस आएगी तो आपको हम दिखा देंगे। बाकी आकिब भाई हमारे बाकी खुश लग रहे हैं काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम है बॉय, कैसा है? बाकी अभी बस जाने की तैयारी है। तो मैं आपको सारा बंदों को हमें घर जाना है। ये हमारा स्लीपर है, बाकी हमारे लड़के हमारे साथ दिल्ली भी ट्रेवल कर रही है। डबल है यार। ये देखिए क्या रिलैक्स होके मुस्तफा भाई बैठे हैं, और ये हमारा स्लीपर का आ रहा है यार। हमारा स्लीपर का कोच है और ये एसी की वेंट है। यहाँ पे रात को हम बंद भी कर सकते हैं, लेकिन रात को ठंड भी लगती है। का सामान हम ले आए साथ, लेकिन हमने बिरयानी वहीं से खा ली थी। बाकी अगर रास्ते में भूख लगी तो हम बाकी हमने जो है वहीं से सामान वगैरह ले लिया था खाने के लिए, लेज वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। क्या हाल है? चल इधर
इधर सब ठीक है। ये आप देख रहे हैं सुबह का मॉर्निंग वे जम्मू का, सुबह हो चुकी है और काफी जबरदस्त नजारा जो है वो लग रहा है। इधर ला इसको मोइन। ये देखिए आप गाइस, हमारे साथ किसने ट्रैवल। ओ गाइस, ये रही हमारी लोकेशन जहाँ पे हम स्टे करेंगे एक दो घंटे के लिए, और उसके बाद हम निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करेंगे, खाना वगैरह भी खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। थोड़ी बहुत प्राइवेसी है वो मैं आपको बता नहीं सकता डिटेलन, लेकिन जो है वो आप बस देखें, ठीक है। तो चलते हैं फिर, हम अंदर दिखाते हैं आपको भी अंदर क्या कुछ आगे का सीन है। अभी हमें आधा एक घंटा हुआ था, हम कंगन चौक पहुँचे हैं और अभी खाली हो रही है। बस वो ये अभी खाना लाएंगे, तैयारी कर रहे हैं। बाकी मटर की सब्जी सारे कौरमा, बाकी ये फेशियल किट है और उस पर तैयार हो रहा है। ये इसकी कुछ किट है, ज्यादा कुछ नहीं लगाता है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये सनस्क्रीन है और ये रोज वाटर भी लगाता है। इसके बाद ये जरा चेहरा देखा हो जाएंगे, लगा और क्या खराब हो जाएंगे। बस कर नजर ना हो जाए। बाहर भी जाना यार, लोग भी हैं बाहर। बस स्टैंड यहाँ से पुंछ रजौरी के लिए जो बस निकलती है, अभी बस जो है वो लास्ट आएगी 12:30 बजे। तो हमने खाना वाना हमने वहाँ पे खाया, वो लेट हो गया थोड़ा, इसलिए हम थोड़ा लेट पहुँचे। तो अभी ये बसें निकल रही हैं, तो हमारी बस जो है वो लास्ट है, 12:30 तक आएगी। तो वेट करते हैं, दिखाते हैं आपको भी, इंजॉय कराते हैं आपको भी। तो चलें फिर हमारे साथ मोहित भाई के साथ इन हसीन। रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, छोटी है, सिंगल लाइन है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी अखनूर वाली साइड हम पहुँचे हैं, जहाँ से पहले भी मैं गया हूँ एक दो बार, इसलिए मुझे थोड़ा याद है। और देखिए कितना घना जंगल है नीचे, पूरे काफ़ी दूर दूर लोगों के घर बने हुए हैं। आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि हवा ज़्यादा है। यहाँ पे हमारी गाड़ी कुछ टाइम के लिए रुकेगी सुंदरबनी में। यहाँ का फेमस जो है वो खीरा है, आप भी यहाँ पे टेस्ट करें ज़रूर। खीरा फिट अच्छा, 4-5 पीस के रख गया। रजौरी पहुँचे हैं, ये रजौरी का ब्रिज आप देख रहे हैं और सामने जो है ये रजौरी, सारा जो है रजौरी का मार्केट है। मेन रजौरी जो है सामने, वहाँ भी वहाँ रजौरी का। बाकी यहाँ से हमें लगेगा तकरीबन 2-2.5 घंटे जहाँ हमें जाना है वहाँ पहुँचने में। जैसे हम वाटरमेलन ले रहे हैं क्योंकि वाटरमेलन जो है वो डिहाइड्रेट होने से बचाता है। वाटरमेलन हो रहा है हमारे लिए तैयार खाने के लिए। ये कौन से भैया, सस्ता है यहाँ पे वाटरमेलन, ये क्या बात है? ये 20 रुपये kg भैया, 20 रुपये kg। हम इमरान भाई की दुकान पे पहुंचे, इनकी दुकान ही, इनके कज़न की दुकान है, लेकिन इनका कज़न जो है वो ज़ियारत पे गया है कुछ न्याज वगैरह डालने के लिए, तो इनको इनकी सपूरत ये दुकान जो है वो ले गए हैं। तो अभी हम पहुंचे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भूख लगी और कुछ चाय वगैरह इमरान भाई बनाएंगे, यहाँ का माहौल आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और क्या दिखाएंगे? बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी भी रीज़न से पसंद आया छोटा सा वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।